शिवराज कैबिनेट की बैठक आज खंडवा, रेगांव, जोबट, पृथ्वीपुर में 30 अक्टूबर को वोटिंग, 1 अक्टूबर से भरे जाएंगे नामांकन। दिग्विजय सिंह के शिशु मंदिर वाले बयान पर होगी FIR। राष्ट्रीय बाल आयोग ने DGP को लिखा पत्र, कहा पूर्व CM के बयान से बच्चों के सम्मान को ठेस पहुंची, FIR दर्ज करें। जोधा अकबर की प्रेम कहानी में फंसे BJP MLA। सफाई में रामेश्वर शर्मा बोले, चालाक मुगलों की फूट नीति का वर्णन कर रहा था, राजपूत समाज को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। इंदौर में स्पेलिंग में मामूली फेरबदल और कमीशन के दाम पर डुप्लीकेट दवाओं का कारोबार, जिस कंपनी को आसाम में दिखाया वो असल में है ही नहीं। भोपाल में संयुक्त किसान मोर्चा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोले, किसान संगठन राजनीतिक दलों से परहेज ना करे, अपने आंदोलन में कांग्रेस के साथ भाजपा को भी बुलाए। मध्य प्रदेश की विधायक ने बताया रिश्वत का गणित, MLA रामबाई बोली, आटे में नमक बराबर रिश्वत चलती है, 1.25 लाख के PM आवास पर 1,500 लेना ठीक, 10,000 लेना गलत। भारतीय महिला हॉकी टीम भोपाल पहुंची, CM शिवराज आज 19 खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए से सम्मानित करेंगे, टीम का ढोल बजाकर किया स्वागत, कार्यक्रम का समय बदला। सागर के युवाओं को मिलेगा रोजगार, मकरोनिया में 30 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला, 21 कंपनियां होंगी शामिल, साक्षात्कार के लिए करा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। महिलाओं को मिले प्राथमिकता, हाईकोर्ट में केवल 5.6% महिला जज, 1956 से अब तक सिर्फ 12 महिला ही पदस्थ रही, वर्तमान में 3। सितंबर में हुई 13 इंच बारिश, जिले की औसत बारिश का कोटा हुआ पूरा, जिले में अब तक 44 इंच बारिश, औसत से 8 इंच अधिक।